नमस्कार, मैं जहांगीर आलम। आप देख रहे हैं कोलफिल मिरर, हर पल आपके साथ। आसनसोल नॉर्थ और कोटी विधानसभा क्षेत्र में जो है ऑटो टोटो की और टैक्सी की जो समस्या है उसका जिम्मा हमको पार्टी ने दिया है, और लगातार जो है हम लोग ऑटो टोटो और जो टैक्सी का जो प्रॉब्लम है, जब से हमको चार्ज मिला तब से हम प्रत्येक दिन जोगाजोग कर रहे हैं। हम लोग का मेन उद्देश्य ये 2021 में महामाटी मानुष सरकार को भारी मतों से जिताना है। वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं बहुत दिनों के बाद फुल फ्लेज में वापस। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए हम तृणमूल कांग्रेस के कर्मी हैं, आज शुरू से हम तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़े हुए थे। हमारा काम जो था, पहला बात था पार्टी को मजबूत करना, तृणमूल कांग्रेस को मजबूत करना। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी पहचान है श्रमिक नेता के रूप में, लोग हमको जानते हैं, तो इसलिए मेरा काम है श्रमिकों को उनका हक दिलाना। हम अपना आंदोलन हमारे साथ लड़ाई करते आए हैं। ज्वाइनिंग के बाद जब आप यहाँ आए, आज हमने देखा कि आप काफी लेकर मीटिंग की ड्राइवर को लेकर के, क्या इन लोगों को प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम देखिए, हम अभी आज अभी नियामतपुर मीटिंग किए हैं, रानीतला में किए हैं, बड़ाकर स्टैंड में किए हैं और आगे भी जाएंगे। प्रत्येक डोर टू डोर हम लोग टच करेंगे। जो हमारा ऑटो भाई है जो पश्चिम बंगाल बर्धवान का जो वोटर है, जो यहाँ का नागरिक है, उसको जो समस्या है उसको हम लोग दूर करेंगे। दीदी ने कहा डोर टू डोर टच करने के लिए हम लोग हर लोगों से जोगाजोग करेंगे। यहाँ देखते झारखंड का जो ऑटो नंबर आता है उस पर भी प्रॉब्लम होती है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो पश्चिम बंगाल का हमारे जो बेकार युवक है, आसनसोल में हम लोग 1870 ऑटो वालों को परमिट दिए थे, बहुत लड़ाई किए मलाई घटा के नीतीश में, हम लोगों ने काफ़ी लड़ाई किया था, जो 2016 में हम लोग कामयाब हुए थे। हमारे कुछ दिन हम जो पार्टी से कुछ दिन बैठ गए थे, तो जो प्रक्रिया थी थम गई थी उसको फिर से हम शुरू कर रहे हैं, और हम लोग जो 1870 की जो प्रक्रिया है ऑटो चालकों की, जो रूट परमिट, बहुत सी गाड़ियों का फिटनेस नहीं है, बहुत से ड्राइविंग लाइसेंस बहुत लोगों के पास नहीं है, उनका अभियोगता कि हमको मोटर परिवहन विभाग में जाते हैं RTO ऑफिस में तो हमको ड्राइविंग लाइसेंस नहीं मिलता, फिटनेस नहीं हो रहा, उनको परमिट नहीं मिल रहा, तो नाना समस्या है, जिसके लिए हम हर हफ्ता खुद RTO ऑफिस में प्रेजेंट रहते हैं। हमारे जो ऑटो ड्राइवर हैं, टोटो ड्राइवर हैं और हमारे जो टैक्सी ड्राइवर, उनकी जो समस्या होगी, परिवहन जो भी कर्मी है, हम लोग उनकी मदद करेंगे। यहाँ ऑटो कितने हैं? देखिए इस तरह बढ़ाकर में अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से कुल्टी क्षेत्र में कम से कम 700-800 से ज़्यादा ऑटो हो गया। तो जो लोग हमारे विशेष करके जो पश्चिम बंगाल के जो बसिंदा हैं, जो झारखंड नंबर चला रहे हैं, समस्या ये है कि हम लोग बहुत जल्द हमारी जो महामाटी मानस की नेत्री ममता बनर्जी, जो उनका एक जो एक तो उन्नयन का जो उन्होंने गरीब लोगों के लिए जो एक तो प्रकल्प चालू किया है गतिधारा, हम लोग जो है गतिधारा के बारे में बहुत से हमारे ऐसे ऑटो ड्राइवर हैं या टैक्सी ड्राइवर वो जानते नहीं कि गतिधारा कैसे मिलेगा, प्रचार नहीं हुआ था, हम लोग उसको प्रचार कर रहे हैं। हमारी जो ममता बनर्जी वो चाहती है कि जितनी बेरोजगारी हो दूर हो। ब्राकर में भी हम लोग खड़े हैं, ब्राकर में प्रॉब्लम है जाम का, बहुत बड़ी समस्या है, उसको लेकर कैसे? देखिए पॉपुलेशन बढ़ा है, उन्नयन हुआ है ब्राकर में जो है, विशेष करके देखा जा रहा है कि विभिन्न राज्य के लोग यहाँ आते हैं, झारखंड से भी लोग यहाँ आते हैं, ये एक बॉर्डर एरिया है, तो पुलिस प्रशासन जो है अपने मुस्तैदी से काम करता है। जब से हमारी सरकार आई है शांति बरकरार है, लोगों को सुकून है और लोगों को रोजगार मिल रहा है, उन्नयन हो रहा है, तो ये जाम की जो समस्या हो रही है प्रशासन से निपटता है, पॉपुलेशन काफ़ी हो गई है। ड्राइवर को लेकर फ्यूचर में क्या प्रोग्राम है आपका? ड्राइवर को लेकर हम लोग का जितने भी ड्राइवर हैं उसको हम लोग ऑटो ड्राइवर उसको गतिधारा के माध्यम से हम लोग लाएंगे, उनको उपकार मिलेगा, जिनका ड्राइविंग लाइसेंस है उनका ड्राइविंग लाइसेंस बहुत जल्द हम लोग चालू करेंगे। उसके बाद जो सामाजिक सुरक्षा प्रकल्प है परिवहन कर्मियों का, जिसमें हम लोग 99% कामयाब हुए हैं, जिसके मंत्री हमारे खुद मौलाई घटक हैं, श्रम मंत्री, तो उन्होंने हर तरह से उनको मदद किया परिवहन श्रमिकों को, चाहे वो बस कर्मी हो, चाहे वो मिनी बस कर्मी हो, चाहे वो ट्रक कर्मी हो, सबको मिल रहा। तो ऑटो के बहुत से ऐसे लोग हैं उनको मालूम नहीं है सामाजिक सुरक्षा प्रकल्प क्या है, तो हम लोग हर स्टैंड में लेबर डिपार्टमेंट के जो अधिकारी उनसे आवेदन करेंगे, हर स्टैंड में हम लोग एक एक तो कैंप करेंगे ताकि उनको हम लोग जानकारी दे सके कि सामाजिक सुरक्षा प्रकल्प में आप मेंबरशिप लीजिए, आप उनका सदस्य बनिए और हमारी सरकार आपको इतना बेनिफिट दे रही है। आपको एक्टिव किया गया है क्या, असेंबली इलेक्शन की तैयारी कर रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग का टारगेट यही है 2021 में बीजेपी को फिनिश करना। आप लोग से क्या चुक हुआ जो MP इलेक्शन में? देखिए बात ऐसी है, चले गए उल्टी में इतने मतों से आप लोग हारे की। पहली बात है, हमारी नेत्री साफ सुथरा बात बोलती है, सच्ची बात बोलती है। आज जो लोग केंद्र में आए हैं, बैंक दिवालिया हो जा रहा है,
लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, सिर्फ मंदिर मस्जिद का इशू लेके वो खेला खेलते हैं। तो मंदिर मस्जिद का इशू लेके आप कब तक चलेंगे? लोगों को रोजगार चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो चीज़ नहीं मिल रहा है। बैंक पैसा लेके लूट जा रहा है और उनकी जो मंत्री हैं वो बोलती हैं कि आप बैंक लूट के चला गया तो मैं क्या करूं? तो इससे ज़्यादा शर्म की और बात क्या होगी? आप देखिए आने वाले दिन में पश्चिम बंगाल में 21 में बीजेपी का नामो निशान मिट जाएगा और माँ माटी मन इसकी नेत्री लोगों के नेत्री हैं और जनगण उनको लाया था पश्चिम बंगाल की जनता इतने वोटों से उनको लेके आएगी, इतनी सीटों से लेके आएगी कि बीजेपी को सोचना पड़ेगा। और हम लोग जो है 21 के बाद में पश्चिम बंगाल का शुद्धिकरण करेंगे बीजेपी को यहाँ से निकाल के, कि पश्चिम बंगाल में ऐसे बैरूपीय लोग आए थे जो झूठ बोल के धर्म के नाम पर लोगों को रोजगार नहीं दिए, उनको कोई काम नहीं किया, उनका सिर्फ लोगों का दिवालिया निकाले हैं। प्रत्येक दिन बैंक में जाइए आप, ये चीज नया सिस्टम लागू हुआ है, कभी जाइए एटीएम का पैसा कट जा रहा है, कभी जाइए वो बैंक पैसा लेके बैठ जा रहा है। प्याज भी इशू है, महंगाई भी बढ़ रहा है, बोलते रहे आपसे, कुछ भी लोगों को राहत नहीं मिला। राहत यही मिला कि आप सिर्फ धर्म के नाम से वो मंदिर को देखिए, उधर वो फलाने चीज को देखिए, उनका वही इशू है। हमको सबसे बड़ी बात है, लोग तो अपना यहाँ पर पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा शांतिप्रिय लोग हैं, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलके रहते हैं। गोल्टी में आपको ऑफिस में लोगों को देखने को मिलेगा? बिल्कुल, हर जगह हमारा INTUTC का ऑफिस देखने को मिलेगा और आपको आने वाले विधानसभा में यही कुलटी के लोग दिखा देंगे कि उज्जवल दा जो है जितने भी उनके विरुद्ध में कैंडिडेट खड़ा होंगे, बीजेपी जितने भी लोग खड़े होंगे उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, उज्जवल दा इतने वोटों से जीतेंगे। बराकर से कुमारडूबी चिरकुंडा, बहुत प्रॉब्लम चेकिंग गाड़ी चलाने में सुविधा, जब पकड़ लेते हैं गाड़ी फाइन इतना ज्यादा ज्यादा चार्ज करते हैं कि हम लोग देने नहीं सकते। कभी कभी तो ऐसा पूरा महीना का जो कमाई है वो सब एक ही बार हम लोग फाइन में भरने पड़े हैं। हम बोल रहे हैं सर की मतलब 25,000 रुपया हम लोग गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे? किस लिए पैसा लेंगे? किस लिए पैसा आप लोग? यही चेकिंग लगा देता है लोग, फाइन करता है, 16,000-25,000 का भी कर देता है। झारखंड की बंगाल भी करता है, झारखंड भी करता है। अगर के पास लाइसेंस नहीं है, बाकी के पास लाइसेंस है, तो मान लीजिए किसी का पास धुआं पॉल्यूशन किसी की वजह से फेल हो गया एक दो दिन, तो उनके वजह से वो फाइन काट देते हैं। मान लीजिए किसी कारण से नहीं है, आपको बोला भी जाता है, उनको रिक्वेस्ट भी किया जाता है, तो वो लोग मानते नहीं है, बोलते आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बनवाया। मान लीजिए सर कोई इमरजेंसी फ्लेट में कुछ काम ऐसा पड़ गया जो आप नहीं बना सकते, तो उसके वजह से तो उनको फाइन उतना नहीं काटना चाहिए। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर सोनू। आपका रोजगार वही से? ना, मैं ऑटो ड्राइवर हूँ, मैं यहाँ से कुलटी से चलाता हूँ। अभी राजू दा जो जुड़े हैं तो उससे क्या उम्मीद है आप लोगों? उनसे बहुत हमारे उम्मीद है, ऐसे हम लोग बहुत हर बार सपोर्ट भी किए हुए, अब इतना उम्मीद जग गया है सर कि लगता है कि हमारे ऊपर छत्र छाया आ गया, हमारे ऊपर कोई सहारा आ गया। इस तरह हम लोग अनाथ थे, अब एक नाथ मिल गया। हम लोग यही चाहते हैं और सब दिन के लिए चाहते हैं। मेरा नाम आशीष साहब है।